हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे 16 मार्च 2021 की 9 बड़ी खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन PCS प्री 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, DRDO GTRE अप्रेंटिस 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। CSBC बिहार पुलिस फॉरमैन की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। 6 जून 2021 को इसका एग्जाम कराया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसका एग्जाम 3 से 8 अप्रैल को कराया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड समारोह में महिला कलाकार बियॉन्से ने सबसे ज़्यादा ग्रैमी जीते हैं। आगे बात कर लेते हैं, नीट की परीक्षा इस साल एक बार ही होगी या परीक्षा 1 अगस्त को कराई जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश है, पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से करें आरक्षण। कोर्ट ने 11 फरवरी का शासनादेश रद्द कर दिया है और 2015 को आधार वर्ष मानने का निर्देश दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2020 25 जुलाई को होगी, तो इसका एग्जाम 25 जुलाई को कराया जाएगा। विज्ञापन 15 मई को प्रकाशित किया जाएगा और 18 मई से आवेदन शुरू होंगे। TET का रिजल्ट 20 अगस्त को जारी होगा, तो इसका रिजल्ट 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।